ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाला फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन था, जो कि 1803 के अंदर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। 1842 के अंदर उसने एक इफेक्ट स्टडी किया जो उसी के नाम से पॉपुलर हुआ। उस इफेक्ट का नाम था डॉपलर इफेक्ट। अब इस इफेक्ट में है क्या, इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। डॉपलर इफेक्ट की स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके आगे इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर चार डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे। पहला केस ये होगा कि जिसमें हम सोर्स और ऑब्जर्वर, सोर्स को हम रेस्ट में रखेंगे, ऑब्जर्वर को उसकी तरफ मूव करवाएंगे। दूसरे केस में अगेन सोर्स रेस्ट में है लेकिन ऑब्जर्वर उससे अवे मूव करेगा। और केस नंबर थ्री में हम अब ऑब्जर्वर को रेस्ट देंगे जबकि सोर्स उसकी तरफ मूव करेगा। और केस नंबर फोर में ऑब्जर्वर रेस्ट में है जबकि सोर्स उससे अवे मूव करेगा। ये चार डिफरेंट केसेस हमें स्टडी करने हैं। किस इफेक्ट के अंदर? डॉपलर इफेक्ट के अंदर। आइए पहले जानते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो आगे इसे जानना, इसे स्टडी करना, इसे समझना बड़ा आसान है। इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक, डॉपलर की स्टेटमेंट के मुताबिक, अगर दो बॉडीज के अंदर, इंसान के अंदर रिलेटिव मोशन हो रही हो, दो इंसान क्या कर रहे हो, रिलेटिव मोशन कर रहे हो, तो उस रिलेटिव मोशन के नतीजे में क्या होगा, या तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी के अंदर इजाफा होगा या उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी में क्या आएगी, कमी आएगी। या रिलेटिव मोशन से क्या मुराद है कि दो इंसान में से कोई एक मूव करे, चाहे आवाज पैदा करने वाला मूव करे या आवाज सुनने वाला मूव करे, अगर वो दोनों एक ही तरफ मूव करना शुरू कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा अप्रोच होगी, ज्यादा महसूस होगी, ज्यादा फील होगी। और अगर वो क्या कर रहे होंगे, अवे जा रहे होंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या महसूस होगी, कम महसूस होगी। हमें इसको डिटेल में जानना है, डिटेल में देखना है। इसके चार डिफरेंट केसेस हैं जो हम स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं ये केसेस क्या हैं। केस इसका फर्स्ट वन, केस नंबर वन है। केस वन में हम देखते हैं बेटे कि अगर क्या हो जी, व्हेन द ऑब्जर्वर, सॉरी, व्हेन द सोर्स इज स्टेशनरी एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स। यहां सोर्स और ऑब्जर्वर से क्या मुराद है, सिंपल से इनके नाम रखेंगे ताकि आपके जहनों में नक्श हो जाए ये चीज। ये सोर्स क्या है, ये ऑब्जर्वर क्या है। सोर्स से मुराद बेटे वो चीज जो वेव्स पैदा कर रही होगी। यहां हम किन वेव्स की बात कर रहे हैं, साउंड वेव्स। हम साउंड वेव्स का जिक्र करेंगे। और ये डॉपलर इफेक्ट ना सिर्फ साउंड वेव्स बल्कि वाटर वेव्स और लाइट वेव्स के लिए भी ये क्या है, वैलिड है। हर तरह की वेव्स के लिए ये कानून, ये वैलिड कानून है, ये वैलिड इफेक्ट है। सो हम बात कर रहे हैं जी कि जब सोर्स की हालत में हो, आवाज पैदा करने वाला कोई गाड़ी, कोई हार, कोई ट्रेन, कोई भी ऐसी चीज जिसमें से आवाज पैदा हो रही है, वो किस हालत में हो, रेस्ट में हो, स्टेशनरी हो, और कौन उसकी तरफ मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर जो उसे सुन रहा है उसकी तरफ मूव कर रहा हो, तो हमें क्या जानना है कि बेटे उनकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, क्या आया, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस होगी या फ्रीक्वेंसी कम महसूस होगी, आवाज की पिच ज्यादा महसूस होगी या आवाज की पिच कम महसूस होगी। ये सारा इस केस को स्टडी करते हमें पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आते हैं। हम जरा इसे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए स्टडी करेंगे। फर्ज कीजिए आपके पास सोर्स एक एम्बुलेंस है कि जिससे क्या पैदा हो रही है, वॉइस जनरेट हो रही है, आवाज पैदा हो रही है। उस सोर्स से हमें क्या जी, आवाज मिल रही है। उसके करीब से कोई फर्द, कोई बंदा, कोई इंसान दूर से उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, तो हमें जानना है आया वो फर्द जो उस एम्बुलेंस की तरफ आएगा
उस गाड़ी की तरफ आएगा, क्या उसकी उसको वो आवाज ज्यादा महसूस होना शुरू हो जाएगी या कम महसूस होना शुरू होगी, क्या उसका उसकी पिच बढ़ना शुरू हो जाएगी या कम होना शुरू हो जाएगी, ये जानते हैं हम। तो देखिए बेटे, फर्ज कीजिए आपके पास एक सोर्स है, सोर्स से मुराद बेटे यहां क्या समझा जाएगा, हर वो चीज जो क्या पैदा करे, साउंड वेव्स क्रिएट करे, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ पे सोर्स का नाम दे रहे हैं। फर्ज कीजिए वो एम्बुलेंस ही है, तो एम्बुलेंस का आप जानते हैं कि वो आवाज पैदा करती है अगर ट्रैफिक जैम हो या रास्ते में कोई गाड़ी आए, क्योंकि उसका काम क्या है, पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना, पहुंचाना, तो उसके वे में कोई गाड़ी वगैरह आए तो उसे क्या करना है, हॉर्न के जरिए बताना है कि साइड पे। इसी तरह ये एक एम्बुलेंस है जो आवाज क्रिएट कर रही है किस पोजीशन पे, ये रेस्ट में है, तो मैं क्या करूंगा इसकी जो विलास्टी है इसको किससे जाहिर करूंगा, क्योंकि बेटे ये सोर्स है आवाज पैदा करने वाला, तो यू एस विलास्टी को मैं यहाँ किससे जाहिर कर रहा हूँ, यू के साथ। सोर्स है तो क्या बन जाएगा, यू एस किस हालत में है, हमने अभी देखा वैसे स्टेशनरी केस है कि ये स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो इसकी रफ्तार कितनी समझी जाएगी, जीरो। ये आवाज जो कहां से पैदा हो रही है, इस सोर्स से, इसकी विलास्टी है कि नहीं है, साउंड इज अ एनर्जी और एनर्जी ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेवल कर रही है तो उसकी विलास्टी होगी, कितनी विलास्टी है उसे मैं नाम दे रहा हूं वी के साथ। यहां पे कोई फर्द है आप में से, आप देखते हैं इसमें फर्ज कीजिए यहाँ पे कोई फर्द है, कोई आप में से फर्ज कर इसका नाम अल्लाह रखा है, हमें यहां से बाकी सारा जो नाम है वो नहीं चाहिए, जस्ट इसमें से क्या ले लेते हैं हम, फर्ज करें अल्लाह रखा के नाम से फर्स्ट अल्फाबेट ले लेते हैं, क्या है इसका, ए ले लीजिए। फर्ज किया ये अल्लाह रखा था, हमने उसे किस नाम से पुकारा, ए से, जो क्या सुन रहा है, किस आवाज को सुन रहा है और जा भी किस तरफ रहा है, किस तरफ आ रहा है, इस एम्बुलेंस की तरफ चलता हुआ आ रहा है। अब इसकी विलास्टी को किससे जाहिर करते हैं बेटे, ऑब्जर्वर और सोर्स की विलास्टी को यू के साथ जाहिर करते हैं, फर्क क्या है, सोर्स की विलास्टी यू एस हुआ करेगी तो ऑब्जर्वर की विलास्टी क्या हुआ करेगी, यू ओ, और ये किस तरफ है, टूवर्ड्स द सोर्स, सोर्स की तरफ है, सोर्स की तरफ इसकी रफ्तार है। अच्छा अब मुझे बताएं, जब ये सोर्स की तरफ मूव करता हुआ आए, नजर आएगा या आ रहा है, तो क्या होगा, जो विलास्टी होगी अपेरेंट विलास्टी बढ़ेगी या कम होगी, जितनी आवाज की विलास्टी पहले थी क्या उतनी ही महसूस हो गई। बेटे हम रोजमर्रा जिंदगी में ऑब्जर्व करते हैं कि हम रोड पे चल रहे हो या बाइक पे हो, हमारे करीब से कोई गाड़ी गुजरे अपोजिट सिमत में, तो क्या महसूस होता है, उसकी रफ्तार तेज महसूस होती है और उससे हमारी रफ्तार क्या महसूस होगी, तेज। वजह क्या है, क्योंकि दोनों की सिमत क्या है, मुखालिफ है। देखिए आवाज इसकी तरफ आ रही है और ये इसकी तरफ आ रहा है, तो ये दोनों विलास्टियां क्या हो जाएगी, सम अप ऐड हो जाएगी, तो विलास्टी क्या आएगी, जो अपेरेंट विलास्टी आएगी वो कितनी होगी बेटे, v प्लस u नॉट, ये वो विलास्टी है जो किसे ऑब्जर्व हो रही है, किसे फील हो रही है, किस तक पहुंच रही है, इस ऑब्जर्वर तक, ये किसकी बात हो रही है, किस विलास्टी की, साउंड वेव की रफ्तार कितनी महसूस होगी, v प्लस u नॉट। हमें इस टॉपिक में पहले जिक्र किया फ्रीक्वेंसी जज करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, आया वो अपनी वैल्यू से बढ़ गई है या कम हो गई है, तो आइए हम जानते हैं वेव इक्वेशन, हम सारी तरह की वेव्स की बात करें तो वेव इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्या हम वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को फील होगी, अल्लाह रखा को महसूस होगी, क्या उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या ना क्या फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, एफ ए को निकालते हैं। हम जनरली जानते हैं कि फार्मूला फ्रीक्वेंसी का कहां से लिया जाता है, वेव इक्वेशन क्या होती है बेटे, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ किसके बराबर आ जाएगा, वी ओवर लैम्डा। अब बताइए एफ कौन सा होगा, ये क्योंकि ऑब्जर्वर का नाम यहाँ पे क्या था, ए है, तो मैं सीधा इसे कर लेता हूँ, एफ ए किसके बराबर, वी ओवर लैम्डा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन बन गई, इक्वेशन नंबर वन बन गई। आइए इधर देखते हैं हम इस इक्वेशन नंबर वन में क्या क्या चेंजिंग्स की जा सकती हैं, क्या ख्याल है, क्या इस विलास्टी की जगह, इस अपेरेंट विलास्टी की जगह नई विलास्टी दर्ज कर सकते हैं हम अपने केस के लिए, क्या वैल्यू है उसकी, वी प्लस यू नॉट। चलिए इक्वेशन नंबर वन को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो एफ ए किसके बराबर आ जाएगा, वी प्लस यू नॉट ओवर क्या आ गया, लैम्डा, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दीजिए, टू का। क्या हमें यहाँ जो लैम्डा डिनोमिनेटर में बटे में दिखाई दे रहा है
उस लैम्डा को भी क्या करना है, हमने खत्म करना है, लैम्डा को भी यहां से एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करें? क्या हम लैम्डा लैम्डा की इक्वेशन नहीं जानते? लैम्डा की इक्वेशन बनाई भी जा सकती है किस तरह से, वेव इक्वेशन किसके बराबर है, बी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो यहां से बेटे लैम्डा किसके बराबर हुआ बना, बी ओवर वी ओवर एफ। क्या मैं इस लैम्डा की जगह इक्वेशन नंबर 2 में वी ओवर एफ दर्ज कर सकता हूं? yes. तो बताइए क्या बन जाएगा, एफ ए विल बी इक्वल टू वी प्लस यू नॉट ओवर वी ओवर एफ। अब आप जानते हैं बेटे किसी चीज के डिनोमिनेटर में एक और डिनोमिनेटर आ जाए तो वो वैल्यू क्या करती है, मल्टीप्लाई होती है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, बी प्लस यू नॉट ओवर बी, क्या साथ में आ गया, एफ। तो ये आपके पास आप ये आ गया जी केस वन का रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या हमें एक्सप्लेन कर रहा है, जरा गौर कीजिए, ये वो फ्रीक्वेंसी थी जो कब महसूस होनी थी, जब ऑब्जर्वर मूव ना करता। अब ऑब्जर्वर मूव करता हुआ, अगर रखा मूव करता हुआ किस तरफ आ रहा है, एम्बुलेंस की तरफ, इस वैन की तरफ आ रहा है। तो बेटे आप जरा देखिए बटे के ऊपर जो वैल्यू आपको जमा होती दिखाई दे रही है, इसका मतलब एफ के साथ कोई चीज प्लस बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई होने से लेफ्ट साइड का आंसर बड़ा आएगा छोटा आएगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, इक्वेशन नंबर इसे 3 का नाम देता हूं, ये v प्लस u नॉट ओवर v इज ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए जब ये वैल्यू यहां दर्ज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहां से पहला आंसर क्या आ जाएगा, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ। इसका मतलब इस अल्लाह रखे को, इस ए को जब ये एम्बुलेंस की तरफ आएगा आवाज की फ्रीक्वेंसी कम महसूस होगी या ज्यादा, ज्यादा किससे, पहली फ्रीक्वेंसी से, जितनी पहले महसूस हो रही थी उससे क्या महसूस होगी अब ज्यादा। क्यों भला, क्योंकि उसकी रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब किस तरफ जाना शुरू कर दिया उसने, टुवर्ड्स द सोर्स, टुवर्ड्स द एम्बुलेंस जो आवाज क्रिएट करेगी इसकी तरफ। ये था पहला केस और उसका रिजल्ट। आइए अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस क्या है बेटे, दूसरे केस में भी हमने क्या करना है, सोर्स को किस हालत में रखना है, रेस्ट में ही, लेकिन अब ये अल्लाह रखा क्या करेगा, फर्स्ट एड फर्स्ट कीजिए, ये किस काम के लिए आया था, फर्स्ट एड के लिए आया था, कोई पट्टी करवाने के लिए, कुछ ना कुछ बैंडेज करवाने के लिए आया, काम हो चुका, अब ये क्या करेगा, इससे अवे मूव करे। अब क्या होगा, जैसे जैसे उस खड़ी गाड़ी से, उस एम्बुलेंस से, उसके हॉर्न से, उसकी आवाज से दूर हटता जाएगा, क्या इसे पहले जितनी फ्रीक्वेंसी महसूस होगी, क्या इसे उतनी ही आवाज पहुंचेगी जितनी पहले पहुंच रही थी, नहीं। वजह, अब उसकी मोशन क्या है, अवे है, अब उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, साउंड की वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा। आइए देखते हैं, अब केस नंबर 2 क्या है जी बेटे, when the source is stationary and the observer is moving away, कहां से बेटे, is moving away from the source, अगर वो ऑब्जर्वर, अगर वो ही अल्लाह रखा है, लेकिन अब यहां पे हुआ ये कि बेटे अल्लाह रखा का काम उस जगह पे खत्म हो गया, वो जो आ रहा था तब था उस फर्द का नाम, उस बंदे का नाम का अल्लाह रखा, अब हमने जो फर्द उससे दूर जा रहा है, जो ऑलरेडी शायद इस एम्बुलेंस पे मौजूद था, उसका नाम है बिलाल। फर्ज कीजिए बिलाल एक लड़का है जो एम्बुलेंस के पास पहले खड़ा था, लेकिन क्या हुआ जी, अब वहां से क्या शुरू कर देगा, इससे अभी हम इस बिलाल की जगह क्या करेंगे, बाकी इसके अल्फाबेट्स नेम के नहीं लेंगे, जस्ट क्या ले लेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट बी। इस ऑब्जर्वर का अब नाम क्या है, बी, बिलाल से फॉर एग्जांपल याद रहने के लिए, याद रखने के लिए बी का नाम दीजिए। अब ये क्या कर रहा है, इज मूविंग अवे, इससे दूर जा रहा है, वेलोसिटी ऑब्जर्वर की क्या होगी, अवे फ्रॉम द सोर्स, इसकी वेलोसिटी फिर भी कितनी है, पहले जितनी थी, सोर्स की वेलोसिटी कितनी है बेटे, जीरो, आवाज की वेलोसिटी अभी भी वही है। अब बताइए जो अपेरेंट वेलोसिटी मौसूल होगी किसे, इस बिलाल को, वो कितनी होगी, पहले जितनी, पहले से ज्यादा या पहले से कम, पहले से कम, भला क्यों बेटे, क्योंकि अब उससे क्या जा रहा है,
दूर जा रहा है, जो पहले आवाज की रफ्तार थी उस तक पहुंच रही थी, अब उसमें से ये फैक्टर क्या कर देंगे, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये जो फैक्टर पिछले वाला था अब इसमें क्या आएगा, यही v डैश अब किसके बराबर आ जाएगा बेटे, v माइनस u। सारा काम पीछे वही करते हैं, आप कौन सी इक्वेशन यूज करें, हम वेव इक्वेशन। क्या है वेव इक्वेशन, v इज इक्वल टू f लैम्डा। आइए दर्ज करते हैं इक्वेशन में, तो बेटे हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू f लैम्डा, हमें क्या जानना है f जानना है, f किसके बराबर आ जाएगा, v ओवर लैम्डा। अब f कौन सा होगा, ये क्योंकि इसका नाम बिलाल है, b से शुरू हो रहा है, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देंगे जो इसको मिल रही है, एफ बी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। इसे सीधा कर लीजिए, एफ बी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अच्छा बेटे यहाँ v की कीमत क्या दर्ज करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका नाम है जी 4, 3 तक हमने पीछे कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दिया। यहाँ हम v की कीमत क्या दर्ज करेंगे, हमारे इस केस में v की कीमत क्या है, v माइनस u नॉट, और फिर वही काम, फिर लैम्डा को दोबारा से एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे। आइए आगे चल के देखते हैं, तो बेटे ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, यही वैल्यू क्या बनेगी, एफ बी इज इक्वल टू लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 4, तो बताइए क्या बनेगा, बी माइनस यू नॉट ओवर लैम्डा, ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गई। आप इस इक्वेशन नंबर 5 में लैम्डा से जान जुड़वाते हैं, एलिमिनेट करते हैं, किस तरह से, यहाँ से आप जानते हैं लैम्डा किसके बराबर है, वी ओवर एफ, तो बताइए यही इक्वेशन नंबर 5 नई शक्ल क्या बन जाएगी, वी माइनस यू नॉट ओवर वी ओवर एफ। फिर से वही काम, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर डिवाइड होने के बजाय क्या करेगा, मल्टीप्लाई टू v माइनस u नॉट ओवर v इनटू f। अब बताइए ये इक्वेशन क्या बता रही है, इक्वेशन नंबर 6 है बेटे, इस इक्वेशन में वेलोसिटी का माइनस होना ये जाहिर करता है कि अब फ्रीक्वेंसी किससे मल्टीप्लाई हो रही है, फ्रीक्वेंसी किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 1 से, ग्रेटर देन 1 से या लेस देन 1 से, लेस देन 1 से, इसका मतलब ये फैक्टर इसकी कीमत क्या आएगी, 1 से लेस आएगी, 1 से लेस इसकी कीमत आएगी, ये कीमत 1 से लेस है, इसका मतलब जब कीमत 1 से लेस मल्टीप्लाई होगी तो जवाब भी क्या आएगा, छोटा आएगा, क्या आंसर आएगा, एफ बी इज लेस देन एफ। ये है केस 2 का रिजल्ट, जो क्या बताता है कि जब कोई ऑब्जर्वर, जब कोई बिलाल उस एम्बुलेंस, खड़ी एम्बुलेंस से आवाज पैदा करने वाली उस गाड़ी से दूर हटना शुरू होगा, तो क्या होगा नतीजा, अब उसे आवाज की वो फ्रीक्वेंसी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम पहुंचना शुरू होगी, उसकी वैल्यू, उनकी पिच कम महसूस होगी, कम पहुंचेगी, आवाज कम होना शुरू हो जाएगी। ये था केस नंबर 2 का रिजल्ट। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 क्या है कि बेटे अब हमें ये बिलाल या अल्लाह रखा या इन्होंने सोर्स की तरफ आना या दूर नहीं जाना, अब किसने मूव करना है, अब किसकी बारी है, एम्बुलेंस की। अब ऑब्जर्वर अपनी जगह पे रहेंगे, फर्ज कीजिए खुदा ना खास्ता कहीं किसी जगह एक्सीडेंट हुआ, किसी ना किसी जगह खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ, तो वहां बेटे जब एम्बुलेंस अप्रोच करेगी, क्या पेशेंट वहां से मूव करेंगे, पेशेंट जो वहां किसी एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं वहीं पे है, अब एम्बुलेंस क्या करेगी, वहां से उनकी तरफ मूव कर रही है, और मूव करते हुए फर्ज कीजिए वहां पे कोई एक फर्द है जिसका नाम क्या जी, केस नंबर 3 में बेटे when the observer is stationary and source is moving towards observer। अब source move करेगा, आवाज पैदा करने वाला move करेगा सुनने वाले की तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। फर्ज कीजिए यही गाड़ी अब मूव करती है टुवर्ड्स द लिसनर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, चल पड़ती है, इसकी वेलोसिटी आप जानते ही हैं, सोर्स को हम किससे जाहिर कर रहे हैं, यू एस के साथ, इसकी वेलोसिटी अब जीरो तो नहीं बेटे, अब क्योंकि ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, इसकी वेलोसिटी अब भी क्या है, वी है। अब फर्ज कीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, फर्ज करें उसका कोई कॉस्ट है, चिश्ती है, हम नाम नहीं लेते, हम उसको चिश्ती से सिर्फ उसका नाम क्या लेते हैं जी,
पहला अल्फाबेट यूज करते हैं, क्या रखेंगे नाम? सी से। फर्स्ट कीजिए कि सी यहाँ पे कोई इंजर्ड है, कोई पेशेंट है, कोई उस एक्सीडेंट का शिकार हुआ हुआ, तो ये बेटे इसका नाम चिश्ती से हमने से सी रखा, जो नाम मूव कर रहा है अपनी जगह पे है, क्या वजह हुई, मे बी एक्सीडेंट हुआ या किस वजह से यहाँ पे है, तो बताइए इस ऑब्जर्वर की रास्ती क्या हुई है? जीरो, क्योंकि ये सुन रहा है आवाज को और ये गाड़ी इसकी तरफ जाएगी, ये सोर्स इसकी तरफ जाएगा। अब बताइए क्या नतीजा निकलेगा, अब अपेरेंट विलास्टी पे क्या असर पड़ेगा, अपेरेंट विलास्टी पे क्या इफेक्ट होगा बेटे, अपेरेंट विलास्टी अब क्या आएगी, अब वी डैश किसके बराबर आएगी, वी माइनस यू क्या होगा अब? पहले बेटे ऑब्जर्वर की विलास्टी क्या हुआ करती थी माइनस, अब किसकी विलास्टी माइनस होगी, सोर्स की, क्योंकि जी बेटे टुवर्ड्स आ रहा है विलास्टी, नहीं बेटे टुवर्ड्स में अब डिफरेंस देखिए ना, रिलेटिव मोशन क्या है कि अब जब आप उसे अप्रोच करेंगे तो जो आवाज की विलास्टी पहले थी उसमें ये फैक्टर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जितनी इसकी तेज रफ्तार है उस विलास्टी को क्या कर देंगे बीच में से माइनस, तो v डैश विल बी इक्वल टू v माइनस ufs, us के बराबर। इसका मतलब हम अगेन क्या करेंगे, v की ये आपके पास वैल्यू आ गई, अब हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकाले पहले वेवलेंथ निकाले, पहले तो वेवलेंथ नहीं निकालते आए, लेकिन अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करूं तो बताइए वेवलेंथ होती किसके बराबर है, किसके बराबर है v ओवर f, v इज इक्वल टू f लैम्डा, एंड लैम्डा किसके बराबर हुआ करता है v ओवर f, बताइए हमारा v क्या है, क्या लिखेंगे हम बी, यही मैं वैल्यू इधर करता हूँ, तो बताइए लैम्डा हमारा किसके बराबर आए, बी ओवर एफ, बताइए बी की कीमत कितनी मानी ली है, बी माइनस यू एस ओवर एफ। अब इस आप जानते हैं ऊपर दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये दोनों के नीचे नहीं आएगा, तो बताइए क्या बनेगा, बी ओवर एफ माइनस यू एस ओवर एफ, बी ओवर एफ माइनस यू एस ओवर एफ। अच्छा ये देखिए ये क्या चीज है लैम्डा, तो ये क्या होगा लैम्डा, ये लैम्डा की कीमत है, ये आपके पास v ओवर f, ये आपके पास us ओवर f आ गया। अब जरा गौर करें ये विलास्टी किसकी विलास्टी है, सोर्स की, किस तरफ जा रहा है सोर्स, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये आप नाम देंगे लैम्डा s माइनस डेल्टा लैम्डा, जो चेंज आ रहा है उसकी तरफ जाते हुए, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा s माइनस लैम्डा डेल्टा लैम्डा, कि जब बेटे कोई चीज क्या करेगी, कोई सोर्स इस तरफ चल पड़े टुवर्ड्स ऑब्जर्वर चल पड़े, तो अब बताइए जो वेवलेंथ उसकी पहले है क्या वेवलेंथ हो ही रहे, बेटे फ्रीक्वेंसी तो बढ़ना शुरू हो जाएगी लेकिन वेवलेंथ क्या होना शुरू हो जाएगी कम, तो ये माइनस का साइन क्या जाहिर करता है, डेल्टा लैम्डा यहाँ पे माइनस होना क्या जाहिर करता है कि जो वेवलेंथ उसे पहले थी अब उसे क्या पहुंच रही है, उससे कम वैल्यू पहुंच रही है, उसे अब वैल्यू क्या पहुंचेगी, कम पहुंचेगी। अब इसे इसे आप सॉरी इसे लैम्डा एस का नाम दीजिएगा और ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा, ये पहले वाला ओरिजिनल और इसमें से डेल्टा, इसका मतलब जब ये सोर्स रेस्ट में था और ये अपनी जगह पे था तब उसे वेवलेंथ कितनी अप्रोच करी थी लैम्डा, लेकिन जब ये आवाज पैदा करने वाली एम्बुलेंस उस तरफ चल पड़ी तो वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा, वेवलेंथ में कमी होना शुरू होगी, वेव की लेंथ कम होना शुरू होगी, वेव का फासला वेव की लंबाई कम होना शुरू होगी, क्योंकि जगह क्या हो रही है, जगह क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, पेशेंट के दरमियान और एम्बुलेंस के दरमियान जगह कम होती जा रही है, तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी शॉर्टर। अब दूसरी तरफ हम जानते हैं जब वेवलेंथ शॉर्टर हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। आइए अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो हम असल में मालूम करना चाहते हैं वो क्या है फ्रीक्वेंसी, वो देखते हैं बेटे, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, v इज इक्वल टू f लैम्डा और f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, क्या नाम रखेंगे इस फ्रीक्वेंसी का, c चिश्ती जो नाम था उसका, f c और नीचे भी क्या रखेंगे लैम्डा c। अब बताइए क्या आपके पास कीमत है लैम्डा c की कीमत, यहाँ पे हम किसकी कीमत दर्ज करते हैं, लैम्डा की अगर कीमत दर्ज करें क्या कीमत है लैम्डा की, हम बेटे लैम्डा c की कीमत है ना, क्या कीमत है v माइनस us ओवर f, दर्ज कीजिए f c बेटे क्या बन जाएगा, v ऊपर वैसे का वैसा, नीचे क्या बनेगा v माइनस us ओवर f।
आप जानते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या करेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया v ओवर v माइनस us और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो गया। अब बताइए बेटे, जब किसी वैल्यू का डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा हो माइनस सबट्रैक्ट, उसकी कीमत बढ़ी जाती है छोटी जाती है, बढ़ी जाती है। जब किसी का डिनोमिनेटर छोटा होता जाए, माइनस का मतलब इसकी कीमत कम होना शुरू हो गई है, तो ये आंसर क्या आएगा, बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर v ओवर v माइनस us की कीमत किससे बढ़ी है, 1 से बढ़ी है। जब इसकी कीमत 1 से बढ़ी है तो fc किससे बढ़ाएगा, fc की वैल्यू किससे ज्यादा आएगी, f से ज्यादा आएगी। ये आपका आ गया तीसरा रिजल्ट कि fc इज ग्रेटर देन f। ये केस का रिजल्ट, कौन से केस का रिजल्ट है, कि जब क्या हो बेटे, जब क्या हो नतीजा, कि सोर्स किस तरफ चल पड़े, ऑब्जर्वर की तरफ, ये एम्बुलेंस चल पड़े किस तरफ, उस बॉडी की तरफ, उस बंदे की तरफ जिसका नाम चिश्ती था, जिसका नाम हमने पहले अल्फाबेट सी से जाहिर किया, उसकी तरफ चल रही थी, ये उसका रिजल्ट है। चौथा और लास्ट केस देखते हैं, चौथे केस में क्या होगा बेटे, कुछ भी अरेंज कर दें, किसी तरह मैथमेटिकल रिलेशन अरेंज कर दीजिए, बाकी देखें चेंज क्या आएगा। When the observer is stationary and the source is, क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ क्या लिखेंगे, is source is moving, क्या क्या लिखा जाएगा, away, कहाँ से, from observer। आप बेटे ये गाड़ी क्या करना शुरू करेगी, इससे away जाएंगे। दोबारा बनाने की बजाय हमने उसी को यूज कर लिया, ये अब बेटे अब बताइए, ये आवाज का हॉर्न अब गाड़ी का रुख बिल्कुल उसके सोर्स की वेलोसिटी का रुख बिल्कुल अपोजिट है। ये आप बताइए, ऑब्जर्वर अपनी जगह पे है, इसका नाम अब चेंज कर दिया, चेंज करके क्या नाम रख दिया जी, हमने कोई नाम रख दे जिसके लिए पहला अल्फाबेट क्या यूज किया जाए, दानिश रख लीजिए, दानिश का आपने बाकी ना बाकी खत्म कर दिया, डी पहला अल्फाबेट यूज कर दिया। अब हुआ ये कि एम्बुलेंस अब उससे क्या जा रही है, अबे फर्स्ट एड देने के बाद उससे अभी जा रही है, उसकी वेलोसिटी है, आवाज की वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे किसकी वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जिसे यू ओ से जाहिर करते हैं वो इस वक्त कितनी है, जीरो है। फिर से काम रिपीट करते हैं, कौन सा पहले हम क्या मालूम करते हैं, वेवलेंथ, फिर हम क्या मालूम करते हैं, फ्रीक्वेंसी। बताइए पहले तो ये बताइए कि जो अपेरेंट वेलोसिटी होगी उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, v प्लस uf(s) का इजाफा, इजाफे से मुराद बेटे आप सोर्स भी चल पड़ा है। इसका मतलब बेटे आप जानते हैं कि जब आवाज पैदा की जा रही है और आवाज पैदा करने के साथ साथ आप चलना भी शुरू कर दें तो क्या नतीजा निकलेगा, आवाज की रफ्तार ज्यादा नहीं हो जाए बेटे, चलती हुई गाड़ी से कभी गेंद को थ्रो करे या किसी चीज को फेंकिए तो क्या होगा, आपके अंदर आप उस गेंद के अंदर आपकी गाड़ी की और आपके जितनी तेजी से फेंका गेंद उसकी रफ्तार दोनों ऐड होके मिलेगी। अब क्या ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे इसी तरह बेटे गाड़ी भी चल रही है और आवाज की अपनी भी विलासिया, तो दोनों विलासियां क्या हो गई, सम अप हो गई, ऐड हो गई, तो वी डैश कितनी आ गई, वी प्लस यू एफ एस। तो बताइए यहां से अगर मैं वेवलेंथ निकालनी हो तो वेव इक्वेशन क्या है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, इस लैम्डा का नाम क्या रखें, क्या डी दानिश से लैम्डा, वो लैम्डा जो किसे पहुंचेगा, दानिश को, लैम्डा डी किसके बराबर आ गया, वी ओवर एफ। बताइए अब वी की कीमत क्या दर्ज करेंगे इस इक्वेशन में, वी रखेंगे बेटे वी प्लस एस ओवर एफ, ये इक्वेशन नंबर आपके पास पांच कीजिए, लैम्डा इज़ इक्वल टू वी प्लस यू एस। अब इसमें बताइए अगर मैं इसे बाय पार्ट्स करूं, अलग अलग करूं, नीचे क्या आएगा, v ओवर लैम्डा प्लस us ओवर लैम्डा, कोनी लीजिए तो लैम्डा d किसके बराबर आ गया, v ओवर f प्लस us ओवर। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये बेटे ओरिजिनल वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ क्या है, डेल्टा चेंज, जिसे आप क्या कहते हैं, वेव शिफ्ट, बेटे इसको क्या नाम देंगे, लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा। इसका मतलब वेवलेंथ के अंदर क्या आया, एडिशन या डिक्रीज, इजाफा या कमी। बेटे जब ये आप इससे दूर हटना शुरू होंगे अब वेवलेंथ बड़ी 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 वेव्स उस तक पहुंचेगी, क्योंकि फासला क्या होना शुरू हो गया है, सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान, दानिश और एम्बुलेंस के दरमियान फासला बढ़ना शुरू हो गया है, अब वेव्स बड़ी बड़ी मसूल होगी क्योंकि दोनों के दरमियान फासला ज्यादा है, ये उनकी वेवलेंथ। अब आइए जो हमारा ओरिजिनल वर्क है जो हमने कैलकुलेट करना है वो क्या बेटे, वो हमने फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे बेटे, v इज इक्वल टू f लैम्डा, f d इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा d, लैम्डा d की कीमत दर्ज कर दीजिए,
तो एफ डी किसके बराबर, वी वैसे का वैसा, लैम्डा डी की कीमत बेटे लैम्डा, हाँ सॉरी ये वाली क्या कीमत है, वी प्लस यू एस ओवर एफ, इक्वेशन नंबर 8 से ये कीमत दर्ज की। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर फिर क्या करेगा बेटे, ऊपर चला जाएगा। आप बताइए इस इक्वेशन से क्या मुराद है, इक्वेशन नंबर 9 क्या बता रही है, ये फैक्टर क्या बता रहा है, जब किसी वैल्यू के डिनोमिनेटर में कोई चीज प्लस हो रही हो, इजाफा हो रहा हो, तो क्या आएगा इस पूरे का आंसर, बड़ा का छोटा, छोटा कितना छोटा आएगा, कि v ओवर v प्लस us क्या होगा, लेस देन 1। और बेटे जब किसी कीमत को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आता है, fd क्या आएगा, लेस देन f। क्या मतलब है इसका, कि आप बेटे उस दानिश को एम्बुलेंस के हॉर्न की फ्रीक्वेंसी क्या महसूल होगी, कम महसूल होगी, फ्रीक्वेंसी मिकदार में, फ्रीक्वेंसी की तादाद में, फ्रीक्वेंसी इनडायरेक्टली कम पहुंचेगी, क्योंकि सोर्स उससे एम्बुलेंस उससे क्या जा रही है, अब एक जा रही है। ये चार डिफरेंट केसेस हमने स्टडी किए, किसके अंदर, डॉक्टर्स इफेक्ट के अंदर, डॉक्टर्स ने चार डिफरेंट इफेक्ट्स, ना सिर्फ वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, बल्कि लाइट वेव्स के लिए भी वैलिड है। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था, इससे रिलेटेड कोई वीडियो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।